नमस्कार दोस्तों। तो देखिए, इस वीडियो में बात करेंगे जुबिलेंट इंडस्ट्रीज़ एंड कोकोयो केमिकल के Q4 के नंबर्स के बारे में। जहां तक जुबिलेंट का सवाल है, कंपनी के नंबर ख़राब देखने को मिल रहे हैं, और जहां तक कैमलिन का सवाल है, कंपनी के नंबर काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। साल दर साल आधार पर कंपनी घाटे से मुनाफे में आते हुए देखने को मिल रही है। वीडियो में दोनों कंपनी के नंबर्स के साथ साथ चार्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर अगर आप लोग नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो देखिए, जुबिलेंट इंडस्ट्रीज़ के आपने प्रेस रिलीज यहाँ देख सकते हैं, 18 जून 2021 आज की डेट में कंपनी ने नंबर इसके डिक्लेयर किए हैं। तो देखिए, शीट कंसोलिडेटेड नंबर्स की ओपन कर लिए, इसको कंपेयर करेंगे पूरे पहले क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपेयर करेंगे। दिसंबर 2020 के क्वार्टर को मार्च 21 के क्वार्टर से कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले आय देखते हैं, ये सारा अमाउंट इन्होंने लाखों में शो किया हुआ है। आय आपको बढ़ती हुई दिखेगी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, 157 करोड़ के मुकाबले 199 करोड़ का कंपनी ने आय दर्ज की है। आय के फ्रंट पर आपको बढ़त दिखेगी। वहीं एक्सपेंसेस और टैक्सेस निकालने के बाद नेट प्रॉफिट देखेंगे तो जो 8 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया था वो आपको यहाँ गिरकर 27 करोड़ का घाटा देखने को मिल रहा है। ये काफ़ी एक नेगेटिव नंबर कंपनी ने यहाँ पर पोस्ट किया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। हम बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, मार्च 2020 के क्वार्टर से मार्च 2021 के क्वार्टर कंपेयर करेंगे तो आय आपको यहाँ भी काफ़ी कंपनी की बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। 125 करोड़ की आय के मुकाबले 199 करोड़ की आय कंपनी ने पोस्ट की है। वहीं 1 करोड़ 19 लाख के घाटे की तुलना में इस बार घाटा कंपनी का काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। 27 करोड़ 75 लाख का घाटा कंपनी ने शो किया है क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अब पूरे साल के डेटा को अगर कंपेयर करेंगे, ईयर 2019-20 को ईयर 2020-21 से कंपेयर करेंगे तो आपको कंपनी की आय यहाँ भी बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। 545 करोड़ के मुकाबले 624 करोड़ का मुनाफा जो टोटल इनकम में बढ़त कंपनी ने दर्ज की है। वहीं नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो 19 करोड़ 87 लाख के प्रॉफिट की तुलना में कंपनी ने 8 करोड़ 56 लाख का घाटा खाया है ईयर 2021 में। तो देखिए, जुबिलेंट का डेली चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। डेली चार्ट पे आपको लगातार जो है ट्रेंड आप देख सकते हैं, पॉजिटिव ही देखने को यहाँ पर मिल रहा है। और वहीं बात करें स्टॉक के सपोर्ट की, क्योंकि मंडे को आपको यहाँ पर गिरावट होती हुई देखने को मिल सकती है, तो स्टॉक का सपोर्ट आपको सबसे पहले आप सपोर्ट अगर इसका देखें छोटा, तो आपको 310 रुपये के आसपास अगर स्टॉक थमता हुआ देखने को मिलता है तो ठीक है, और यहाँ से अगर गिरावट बढ़ती है तो फिर थोड़ी ज़्यादा गिरावट लंबी जा सकती है इसकी। 280 रुपये तक स्टॉक आपको गिरता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर अल्टीमेटली मार्केट का मूड एंड माहौल भी सारा ख़राब रहा तो फिर आपको 300 का लेवल स्टॉक तोड़ते हुए यहाँ देखने को मिल सकता है, तो इसके लिए यहाँ पर नज़र रख सकते हैं। वही ऊपर के टारगेट की अगर एक बार बात कर लेते हैं स्टॉक में, तो देखिए सीधे मंथली चार्ट में ओपन करता हूँ, और मंथली चार्ट पे आपको एक जो स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस किया था रिसेंटली 2 महीने पहले, वो टारगेट है 365 के आसपास का। तो इस टारगेट के लिए स्टॉक पर आप नज़र रख सकते हैं, लेकिन फिलहाल जहाँ तक नंबर का सवाल है, नंबर ख़राब है इसलिए टारगेट आपको इजीली आते हुए देखने को नहीं मिलेंगे। कम से कम Q1 के नंबर यहाँ अच्छे रहने की संभावना अगर बनेगी, अच्छे रहेंगे तब जाके स्टॉक वहाँ जाने का प्रयास करेगा, लेकिन फिलहाल आपको 310 से 300 के टारगेट के बीच का ही स्टॉक आपको सस्टेन करता हुआ देखने को मिलना चाहिए, इस पर आप नज़र रख सकते हैं। और नीचे के लेवल पर किसी ने बाइंग कर रखी है तो फिर आराम से होल्ड करिए, एक आधा नंबर ख़राब आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कंपनी अच्छी है, जुबिलेंट ग्रुप की कंपनी है, जुबिलेंट इंडस्ट्रीज, जुबिलेंट फार्मा हुआ और जुबिलेंट फूड वर्क्स, ये काफ़ी सारा इनका कारोबार, काफ़ी लंबा चौड़ा इन लोगों का कारोबार है। तो देखिए, अब अगली कंपनी की तरफ चलते हैं। अगली इस कंपनी के नंबर काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। कैमलिन कोकोयो नाम है इस कंपनी का। कैमलिन इंडियन कंपनी है जो कि इंक बनाती है, और साथ ही कोकोयो एक जापान की कंपनी है जिसने कैमलिन में जो स्टेक खरीदी है, दोनों पार्टनरशिप करके इंडिया में अपना बिजनेस चलाते हैं। आज की डेट 18 जून 2021 को कंपनी ने ऑडिटेड फाइनेंशियल नंबर्स पोस्ट किए हैं। तो देखिए, कंपनी के जो शीट मैंने रिजल्ट्स की ओपन कर ली है, दिसंबर 2020 के क्वार्टर को मार्च 21 के क्वार्टर से सबसे पहले कंपेयर करते हैं। तो टोटल इनकम पे हम बात करते हैं, कंपेयर करते हैं, सारा अमाउंट इन्होंने लाखों में शो किया हुआ है। 100 करोड़ का जो कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में जो है टोटल इनकम की थी वो आपको बढ़कर 132 करोड़ की आती हुई देखने को मिल रही है, यानी 32% का यहाँ पर उछाल आप देख सकते हैं नेट इनकी इनकम में। और वहीं बात करें एक्सपेंसेस और टैक्सेस निकालने के बाद प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट आपको काफ़ी बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। कंपनी ने 1 करोड़ 26 लाख का जो प्रॉफिट किया था वो आपको यहाँ बढ़कर 5 करोड़ 3 लाख का आते हुए देखने को मिल रहा है। तो 3 से 4% तक का, 3 से 4 गुना तक का उछाल आप कंपनी के नंबर्स में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख सकते हैं। वही मार्च 2020 के क्वार्टर को मार्च 21 के क्वार्टर से अगर कंपेयर करता हूँ तो थोड़ी सी आय आपको यहाँ गिरती हुई देखने को मिलेगी। 145 करोड़ की आय की तुलना में आय हल्की सी गिरी है कंपनी की, 132 करोड़ की दर्ज की गई है।
वहीं आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 34 लाख का घाटा कंपनी ने खाया था पिछले साल मार्च के क्वार्टर में, वो आपको यहाँ मुनाफे में बदलते हुए देखने को मिल रहा है जो कि है 5 करोड़ 3 लाख का। तो इस लिहाज से नंबर आपको बम्पर देखने को मिल रहे हैं। और पूरे साल दर साल को कंपेयर करेंगे, ईयर 19-20 को ईयर 20-21 से कंपेयर करेंगे तो सबसे पहले आय देखेंगे, यहाँ काफ़ी ज़्यादा आय आपको कंपनी की गिरती हुई देखने को मिलेगी। आय गिरने का एक रीज़न आप ये भी देख सकते हैं क्योंकि लॉकडाउन एक जो लगा था काफ़ी लंबा, 2 से 3 महीने चला था पिछले साल वाला, तो ये कंपनी जो है स्टेशनरी इंक और ये सारा जो जो कार्ड शीट्स होती हैं, जो अलग अलग प्रकार के बच्चों के कलर्स होते हैं, वो ये कंपनी मेनली उस बिजनेस में है, तो उसका इम्पैक्ट इसकी बैलेंस शीट में खैर आना ही था। लॉकडाउन का सेल काफ़ी ज़्यादा बाधित हुई थी, तो आपको 634 करोड़ की आय के मुकाबले 403 करोड़ की आय आपको आती हुई दिखेगी पूरे साल भर के नज़रिए से। और वहीं प्रॉफिट की बात करें तो 4 करोड़ 35 लाख का प्रॉफिट कंपनी ने दर्ज किया था ईयर 19-20 में, वो आपको काफ़ी ज़्यादा घटते हुए गिरावट यानी जो है नेट घाटा आते हुए देखने को मिलेगा 14 करोड़ 61 लाख का। तो इस लिहाज से नंबर काफ़ी डाउन है, लेकिन आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखेंगे, साल दर साल के यानी मार्च 20 के मार्च 21 से देखेंगे तो मेनली ये देखने वाली बात है कंपनी जो है घाटे से मुनाफे में यहाँ आ रही है। और घाटा ये लगा था कंपनी में कोई ख़राबी है, इस चीज़ का घाटा नहीं खाया था कंपनी ने, कंपनी जो घाटा खाया था वो बिज़नेस थोड़ा सा डिले हुआ था, काफ़ी इंपैक्ट आया था लॉकडाउन का, उसका ये घाटा आपको देखने को मिल रहा है। तो नंबर ओवरऑल कंपनी का शानदार पोस्ट किए गए। तो देखिए कैमलिन का डेली चार्ट मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है, डेली चार्ट पे आप देख सकते हैं स्टॉक ने एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न यहाँ कंप्लीट किया है और उसके बाद एक साइडवेज ट्रेड करने लग गया है, तो इसका ब्रेकआउट आपको मंडे को आते हुए देखने को मिल जाएगा जो कि 68 रुपीज़ के आसपास आएगा। इसका ये जो स्टार्टिंग का छोर देख सकते हैं आप पैटर्न का और अंतिम छोर 68 बैठता है, 68 का जैसे ही स्टॉक लेवल तोड़ेगा तो यहाँ कम से कम आपको 72 से 73 के टारगेट देखने को इजीली मिल सकते हैं मंडे के दिन में। वहीं बात करें और इसके वीकली चार्ट की तो वीकली चार्ट थोड़े और बड़े टारगेट आपको देखने को मिलेंगे, 72 से 3 का जब स्टॉक तोड़ के सस्टेन करने लगेगा तो 75 तक के टारगेट के लिए आप नज़र रख सकते हैं। जैसा कि इसके नंबर अच्छे हैं तो हो सकता है आपको एक ही दिन में ये सारी की सारी तेजी स्टॉक देखने को मिल जाए, तो उसके बाद आपको 75 की नज़र के लिए यहाँ पर जो है स्टॉक के टारगेट के लिए यहाँ नज़र रखनी चाहिए। और उसके और आगे के टारगेट की बात करें तो एक हम बात करते हैं मंथली चार्ट की, मंथली चार्ट पर जैसे स्टॉक 75 के लेवल तोड़ेगा तो फिर आपको थोड़े और टारगेट बढ़े देंगे, 93 के टारगेट के लिए कहाँ पर आप नज़र रख सकते हैं, लेकिन इसको आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, करीब 3 से 4 हफ्ते के आसपास, 1 महीने के नज़र से इसको होल्ड करेंगे तो संभावना बनेगी कि 90 के टारगेट इसको स्टॉक जो है आपको देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं। जिन्होंने नीचे के लेवल पर बाइंग कर रखी है तो आराम से होल्ड करिए, कोई दिक्कत नहीं। अनलॉक थीम का ये स्टॉक भी है, ध्यान रखें जैसे अनलॉक थीम में अप्लाई होगी, स्टेशनरी का मेनली इनका बिजनेस है, काफ़ी अच्छी कंपनी है और जापानीज कोकोयो कंपनी कैमलिन के साथ जो पार्टनरशिप भी इनलॉक की है तो यहाँ आपको जो Q1 Q2 के नंबर्स में और अच्छी बढ़त देखने को मिलेगी, तो स्टॉक अल्टीमेटली आपको 100 के भी ऊपर लेवल दिखा सकते। तो देखिए कैमलिन का डेली चार्ट मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है, डेली चार्ट पे आप देख सकते हैं स्टॉक ने एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न यहाँ कंप्लीट किया है और उसके बाद एक साइडवेज ट्रेड करने लग गया है, तो इसका ब्रेकआउट आपको मंडे को आते हुए देखने को मिल जाएगा जो कि 68 रुपीज़ के आसपास आएगा। इसका ये जो स्टार्टिंग का छोर देख सकते हैं आप पैटर्न का और अंतिम छोर 68 बैठता है, 68 का जैसे ही स्टॉक लेवल तोड़ेगा तो यहाँ कम से कम आपको 72 से 73 के टारगेट देखने को इजीली मिल सकते हैं मंडे के दिन में। वहीं बात करें और इसके वीकली चार्ट की तो वीकली चार्ट थोड़े और बड़े टारगेट आपको देखने को मिलेंगे, 72 से 3 का जब स्टॉक तोड़ के